आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग, यह इंडिया की ऐसी लीग है जिसमें देश के कई युवा निखर कर बाहर निकलते हैं, और ऐसे ऐसे युवा जो अपने आर्थिक रूप से तंगियां झेलते हैं, पारिवारिक परेशानियों से जूझकर यहां तक पहुंचते हैं और इस IPL से उभर कर पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। ऐसे देश के कई युवा खिलाड़ी हैं जिन्हें IPL ने बनाया है। ये IPL का ही कमाल है जो कई सारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुके हैं और खेलने के लिए कई सारे खिलाड़ी तैयार हैं। ऐसा ही एक युवा खिलाड़ी चेतन सकारिया है जिसने अपना पूरा जीवन संघर्षमय गुजारा है। पूरे जीवन में कठिनाइयों के सिवा और कुछ नहीं देखा। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया ने सोमवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग में अपना डेब्यू मैच खेला। अपने पहले ही मैच में सकारिया ने अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सकारिया ने अपने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा सकारिया ने निकोलस पुरन का हवा में ऐसा शानदार कैच लपका जिसे देखकर आंखों पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। सकारिया के लिए यहां तक पहुंचने का सफर बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों भरा रहा है। राजस्थान रॉयल्स की 4 रनों से हार के बाद टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने उनके लिए ऐसा ट्वीट लिखा जिसे पढ़कर आप भी इमोशनल हो जाएंगे और जिसे जानकर आप एक खिलाड़ी की संघर्ष के जीवन को समझ पाएंगे। सहवाग ने सकारिया की माँ का एक इंटरव्यू शेयर करते हुए लिखा, चेतन सकारिया के भाई की कुछ महीने पहले सुसाइड से मौत हो गई थी। उसके पेरेंट्स ने उसे 10 दिन तक यह बात नहीं बताई क्योंकि वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहा था। क्रिकेट इन युवा क्रिकेटरों और इनके पेरेंट्स के लिए क्या मायने रखता है? सही मायने में IPL भारतीय सपनों को पूरा करता है और कुछ कहानियां तो एकदम ही असाधारण है। चेतन की माँ ने एक इंटरव्यू में बताया कि किन संघर्षों के बाद उनका बेटा इस मुकाम तक पहुंचा है। इस साल राजस्थान रॉयल्स ने सकारिया को 1,20,00,000 रुपए में खरीदा है। चेतन सकारिया के अगर पारिवारिक स्थिति पर नजर डालें, उनका पूरा परिवार संघर्षमय रहा है और उनका जीवन भी संघर्षमय बीता है। चेतन के पिता एक लॉरी ड्राइवर थे। 3 एक्सीडेंट होने के बाद अब वह पूरी तरह से बिस्तर पर हैं और अब कमाई करने में असमर्थ हैं। चेतन की मां ने बताया कि फैमिली को आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए चेतन एक स्टेशनरी दुकान पर काम करते थे। सकारिया को जब पता चला था कि उसके भाई की सुसाइड से मौत हो गई है तो उसने 1 सप्ताह तक किसी से न बात की और न ही कुछ खाना खाया और वह कई दिनों तक उदास रहा। कई बार हम व्यक्ति की आज के समय के बारे में तो सोचते हैं लेकिन उसके कल के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। वह अगर आज इस मुकाम पर है तो उसने पहले क्या किया जिससे वह आज इस मुकाम तक पहुंचा है। इसी प्रकार की कहानी चेतन सकारिया की है। पूरे परिवार ने कठिनाइयां झेली और कठिनाइयां सहन की और आज चेतन सकारिया अगर इस मुकाम पर है तो उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष और बहुत बड़ा योगदान पूरे परिवार का है, तब चेतन सकारिया जैसे खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। IPL से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।